गाइस, वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम आपको चिकन विंग्स बनाना सिखाएंगे। बहुत ही आसान और क्विक रेसिपी है, तो चलिए आपको बताते हैं इसको बनाना कैसे है। आपने 3 pounds चिकन विंग्स लेने हैं। आप इसको इस तरह स्किन के साथ दो हिस्सों में कटवा लें। 1.5 teaspoon ginger paste and 1.5 teaspoon garlic paste, 1.5 teaspoon salt, 3 to 4 tablespoon white vinegar। अब यहाँ पर आपने पानी इतना डालना है कि सारे विंग्स पानी के अंदर कवर हो जाए, तो मैं तकरीबन 2 cup पानी के इसमें डालूँगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और तकरीबन 20 minutes के लिए आप इसको साइड पर रख दें। यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। अब 20 मिनट के बाद इसको इसका सारा पानी ड्रेन करें और इसको अच्छी तरह पानी के अंदर रिंस कर लें। इसका पानी सारा खुश्क हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा पेपर टॉवल के साथ थोड़ा ड्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर आप अपने मसाले डालें। 1.5 teaspoon नमक डाल दें, 1.5 teaspoon जीरा पाउडर, 1 to 2 teaspoon रेड चिली पाउडर डाल दें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। पैन में ऑयल डाल के इसको गर्म कर लें। आपने 2 cups ऑफ ऑल पर्पज़ फ्लावर लेना है। इसको एक बोल में निकाल दें और इसके अंदर अपने विंग्स को इस तरह से अपने डिप करना है। अब आप इसको एक एक करके डालते जाएं और इसको फ्राई करें। आपने तकरीबन 8 से 10 मिनट तक विंग्स को फ्राई करना है, जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं। यहाँ देखें, इनका कलर नाइस एंड गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको निकाल कर पेपर टॉवल पर रख देते हैं और यहाँ पर हमारे मज़ेदार क्रिस्पी चिकन विंग्स तैयार हैं। आप इसको किसी भी डिपिंग सॉस के साथ ट्राई करें, बहुत मज़े के लगते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।